Hello everyone, thank you so much for coming here to watch this session with me. My name is Mohit. और आज के इस session में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ बहुत important usage जो हम लोग off and on सुनते हैं and try to speak also, but हम बड़े confused होते हैं कि कहाँ पर ये exactly use किए जाने चाहिए और use किए जाते हैं. So in that case हमें समझ में नहीं आता है where to use them and where not to. और मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो मैं अभी आपके सामने यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है? अभी आप लोगों की modals की क्लासेस चल रही हैं, उसी का ये एक पार्ट है, ठीक है? So let's start. मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पहले use of could have. समझ लीजिए इसको, कुड आप पढ़कर आए लेकिन कुड के साथ यहाँ पे हैव लग रहा है, तो है तो ये मोडाल का पार्टी बट ये अलग सेंस में यूज किया जाएगा. पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि कुड हैव के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने वाले हैं, यानी कि आप लोग पास्ट पार्टिसिपल यूज करने वाले हैं. अब दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि कुड हैव यूज कहाँ होगा. तो ये यूज होगा आपका सकता था के सेंस में. अब कुछ बच्चे जो बड़े ध्यान से समझकर आए हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर कुड में भी यही होता है, आई कुड टीच हिम अ लेसन, मैं उसे एक सबक सिखा सकता था, और कुड हैव में भी आप यही कह रहे हैं कि इसने सकता था आएगा. कुड और कुड हैव में थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस थोड़ा नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिल्कुल अलग है सेंटेंस. देखिए कुड हैव आप तब यूज करते हैं आप कोई काम कर सकते थे, यू हैड द एबिलिटी टू डू दैट, पर आपने उसे नहीं किया. मैं रिपीट करता हूं, आप कुड हैव कब यूज करेंगे, जब आप कह रहे हैं कि आप उस काम को कर सकते थे पर आपने वो काम नहीं किया. यू हैड द एबिलिटी बट यू डिडंट, लाइक आई कुड हैव रीच्ड स्कूल ऑन टाइम, मैं समय पर स्कूल पहुंच सकता था पर मैं नहीं पहुंचा. I could have caught him red-handed. मैं उसे रंगे हाथ पकड़ सकता था, but I didn't. She could have easily taught you English. वो आपको आराम से English पढ़ा सकती थी, पर उसने नहीं पढ़ाया. किसी भी वजह से, whatever the reason could be or maybe. So हम क्या use कर रहे हैं? Could have, सकता था के sense में. That means आप किसी काम को कर सकते थे. You had the ability to do, पर आपने उसे नहीं किया, ठीक है? अब मैं कुछ सेंटेंसेस यहां पे बना देता हूं, लाइक आई कुड हैव टॉट हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखा सकता था. वी कुड हैव कॉट देम रेड हैंडेड, हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकते थे. शी कुड हैव कॉट द बस, वह बस को पकड़ सकती थी, राइट? कुड हैव और फॉर्म देखिए कौन सी है, थर्ड फॉर्म है. पर समझ में आया? तो could have का यूज हम कब करेंगे, when you had the ability to do something पर आपने उसे नहीं किया. अब आप लोग इस could have को उतार लें, pause the video, write these sentences down and try to make many more sentences. अब मैं आप लोगों को दूसरा यूज बताता हूं, ठीक है? So now I'm going to rub it, pause the video as I said and please copy it, ठीक है? Now I rub it. Could have के बाद जो मैं दूसरा आपको मोडाल को लेकर यूज बताने वाला हूं, दैट इज शुड हैव. अभी आप लोग शुड करके आए, किसी को जब हम एडवाइस देते हैं सो वी यूज शुड, यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन ये शुड हैव है. तो पहली टर्म तो ये समझ लो कि इसके साथ हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब ये यूज कहां होगा, ये यूज होगा जब आप बात कर रहे हैं कि आपको कोई काम करना चाहिए था, आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं पास्ट में जो नहीं किया आपने,
जैसे आपको समय पर डॉक्टर को बुला लेना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड द डॉक्टर ऑन टाइम, आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी, आपको वहाँ पर समय पर पहुँचना चाहिए था, हमें इस दिन के लिए पैसे बचाने चाहिए थे। सो आप कह रहे हैं कि हमें कुछ काम करना चाहिए था लेकिन वो किया नहीं किसी भी वजह से। सो दैट इज शुड हैव, यानी कि मैं लिख देता हूं यहां पे चाहिए था। ठीक है, नाउ लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। वी शुड हैव फॉट, वी शुड हैव फॉट टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल एक idiom है, इसका मतलब है पूरी शक्ति से विद द होल पार्ट। We should have fought tooth and nail. हमें पूरी शक्ति से लड़ना चाहिए था लेकिन हम नहीं लड़े। ठीक है, या she should have informed police. उसे पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। वन मोर एग्जाम्पल, ही नेगेटिव बना देता हूं, he should not have got up late. He should not, should have not, he should not have होगा, he should not have got up late. उसे देरी से नहीं उठना चाहिए था। समझ में आया दोनों यूसेज? पहले मैंने आपको बताया could have के बारे में, you had the ability to do something पर आपने नहीं किया। दूसरा मैंने आपको बताया should have के बारे में, आपको कोई काम करना चाहिए था पर आपने उसे नहीं किया। So this is the use of should have. Right? So now try to make a lot of sentences and I'm sure you will. So thank you so much for watching this. I'll be coming soon to discuss some other part of your English grammar. Tab tak ke liye, allow me to go. It was a nice session with you. Thank you everyone and Jai Hind.